ब्रह्मा जला सूत्र। ठीक है, ये सूत्र जो है इतना अति सुंदर है, इतना गंभीर है, इसलिए आनंद बंती जी जब ये प्रवचन सुन रहा था, भगवान की धम्मा देशना सुन रहा था, तो आनंद भंती जी ने क्या कि भगवान बुद्ध को बोले कि तथागत इतना अति सुंदर गंभीर इस सूत्र का नाम क्या दिया जाए, इस सूत्र का नाम क्या दिया जाए। तो भगवान बुद्ध ने इस सूत्र को 5 नाम दिया। कितना नाम दिया, कौन सा है? एक नाम दिया है धम्मजाला। आनंद भंती जी को बोला है कि इसको आनंद धम्मजाल भी दे सकते हो, धम्मजाला भी देख सकते हो, दिथ्य जाला भी दे सकते हो, आगे कहते हैं कि अथा जाला भी दे सकते हो, फिर आगे कहते हैं कि इसको आप जो है अनुत्तर संगमा जाला भी दे सकते हो, फिर आखिर में कहते हैं कि ब्रह्म जाल भी दे सकते हो इसको। जाल बोलने से समझते हो, जाल जाल मछली पकड़ते हैं, जाल देखा है, उसका जो छिद्र अगर बहुत बारीक हो, ऐसा अगर मछली को पकड़ा जाए जाल से, जो उसके अंदर आएगा सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, छोटे छोटे मछली में नहीं निकल पाएगा जाल, नेट ना, नेट। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अंग्रेजों ने, नोबेल नेट ऐसा लिखा है, नोबेल नेट इतना ही है। तो इसलिए ये जाल कहाँ है, भगवान बुद्ध की तो सम्यक सर्वज्ञता सर्वज्ञाता सर्व सर्वज्ञता ज्ञान में जो है, जो भी देखता है वो स्पष्ट देखता है, अतीत भविष्य और वर्तमान तीनों समय में दुनिया की शुरू से और अभी और आने वाले समय क्या होगा, वो पूरा उसकी बोधी नेट में आ जाता है, उसके जाल में। ठीक है, इसलिए इसको जाला नाम दिए हैं, जाल नेट। इस सूत्र में विशेषता यह है कि ये सूत्र को जानने के बाद सारे मिथ्या दृष्टि कहां से उत्पन्न हुआ, सारे मिथ्या दृष्टि कहां से उत्पन्न हुआ, क्यों भी हुआ, कैसा हुआ, और मिथ्या दृष्टि की परिणाम क्या होगा, सारे ये सूत्र में बताया गया है। उनकी बोधि नेट में, उस जाल में, दुनिया में जितना भी मान्यता है, सारे मान्यता की कैसा आया एग्जिस्टेंस में, और क्या सच है, क्या इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, और इसके परिणाम परलोक में क्या होगा, है ना, ये सारे इस ब्रह्मजस सूत्र में बताया गया है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मजाल तो डायरेक्ट भगवान बुद्ध की ब्रह्म बोले तो हाईएस्ट, ब्रह्म बोले तो हाईएस्ट जाल है, भगवान बुद्ध की हाईएस्ट ज्ञान को कहा गया, इतनी हाईएस्ट है कि जिसको इतना गंभीर है, जो सामान्य व्यक्ति जो है आंखों से नहीं देखा देगा, वो ज्ञान जो है इतना गंभीर है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। किसी व्यक्ति ने सील पालन कर लिया, उसका शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध है, अच्छा है, उनका बर्ताव अच्छा है, तो वो देखा देता है, परंतु भगवान बुद्ध के ज्ञान को देखा नहीं देता। अगर यहाँ कुआं है, हजारों फीट अगर ये पानी है नीचे, उसको देखा देगा कि कितना हजार फीट है नीचे, देखा देगा? समुद्र के पानी के दीप कितना है महासमुद्र का, देखा देगा? देख पाएंगे सामान्य आंखों से? नहीं देख सकते ना। इसी तरह भगवान बुद्ध की ज्ञान जो है इतना डीप है,
ये समझ जब इस ब्रह्मजाल सूक्त बता दिया तो आनंद भंति जी इतने प्रसन्न हो कि उसने पूछने लगा, तथागत इतनी अच्छा है ये धम्मा आज का प्रवचन, क्या नाम दिया जाए इसको? तो भगवान उन्होंने पांच पांच नाम दिए, एक एक नाम नहीं दिया, कितना नाम दिया? पांच। एक तो धम्मजाल नाम दिए हैं, ठीक है, इसलिए दिया है ये धम्म, सील पालन करने से क्या लाभ होता है, सील का महत्वपूर्ण क्या है, समाधि क्या होता है, समाधि का महत्वपूर्ण क्या है, इसका लाभ क्या होता है, विपस्सना भावना क्या है, विपस्सना भावना की महत्वपूर्ण क्या है ना? आप ऐसा कर्म करोगे, पुण्य करोगे, सील समाधि प्रज्ञा विकास करेंगे, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, ये बताया गया है। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि दान करने से क्या पुण्य है, दान क्या होता है, दान का महत्वपूर्ण क्या है, इसको भी बताया गया है, पूरे अच्छा और बुरा दोनों को बताया गया है। इसलिए ये नेट जो है धम्मा का ही एक जाल है, जहां पर ऐसा अगर फैला दे इतना बारीक है कि उसमें सब आ जाएगा, ऐसा एक सूत्र है, ठीक है। लैंडी है, लैंडी है, फिर दिट्ठी जाला, भगवान बुद्ध के ज्ञान देखो, दिट्ठी जाला बोले तो जो दुनिया में जो मान्यता, जो अतीत को लेकर के जो मान्यता है और फ्यूचर को लेकर जो मान्यता है लोगों का, पूरी दुनिया की आत्मा और लोक संसार उसको लेकर के, इसका अतीत को लेकर के अथर्व धारणा 18 धारणाएं है लोगों का, और फ्यूचर को लेकर के उसका 42 धारणाएं है। तो ये सारे धारणाएं को भगवान बुद्ध इस सूत्र में बताया गया है। ये मिथ्या दृष्टि क्या होता है, दुनिया में कितना भी जितने मान्यता है पूरे इस भगवान बुद्ध की बुद्धि नेट में आ गया, समझ में आया, निश्चित है। यह सूत्र को परिपूर्ण समझने के बाद, पूरा होने के बाद, आज तो खत्म नहीं हो सकता, काल भी नहीं हो सकता, 3 से 4 दिन तो लगेगा ही, अर्धा तास 5 घंटा में ऐसा करके 4-5 दिन लगेगा। पूरा होने के बाद ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा लोगों में, हमारी जो परंपरा मान्यता है, ये सारे मान्यता जो है ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, वो खुल जाएगा, समझ में आया। इस सूत्र का ही विशेषता है, सारे मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, कैसा उत्पन्न हो, विशेष बात तो ये है, बात तो ये है कि आखिर मिथ्या दृष्टि हुआ कहां से शुरू, इसका कारण क्या था और इसकी परिणाम भी क्या है, यह भी बताता है। तो इसलिए विशेष करके यहां पे अथा जाला, फिर अथा जाला में बोलते हैं कि इस जीवन की कल्याण, इस जीवन की मंगल और दूसरे जन्म की, इसके बाद लाइफ आफ्टर लाइफ, जो दूसरे जन्म की जब तक निर्वाण नहीं पहुंचते हैं तब तक उसका लाभ क्या है, इसको भी यहां बताया गया है। और एक है अनुत्र संगमा जाला, अनुत्र यानी अनुत्र संगमा जाला है कि एक संघर्ष है, ये संसार की दुखों से मुक्ति के लिए हमको पहले क्लेश मार को जीतना है, एक संघर्ष है कि नहीं है? जो व्यक्ति क्लेश मार को जीत लेता है वो व्यक्ति जो है अभी संखारा जो है कर्म की मार है उसको भी जीत लेते हैं, है ना? वही व्यक्ति ही जिनका जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगा उसे भी जीत लेते हैं, एक संग्राम है, वो भी अनुत्तर संग्राम है,
इनकम्पेरेबल संग्राम है। जो व्यक्ति इसको जीत लिया है, क्लेश को, देवपुत्र मार्ग भी जीत लेता है वो, ठीक है, मृत्यु का मार्ग भी जीत लेता है कि नहीं जीत लेता है, ये क्लेश मार्ग। इसलिए एक संग्राम का जाल है, ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने इस सूक्त को। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मजाल, ब्रह्मजाल डायरेक्ट भगवान बुद्ध के ज्ञान को बताया गया। इसमें अठाकठा ने कहा, कमेंटरीज, उसने कहा है कि दुनिया में एक कल्प बोलते गिनती कर सकते हैं उसका ईयर साल को, एक कल्प। साधारण मनुष्य इस ज्ञान को नहीं जानेगा, इसलिए कहा गया है कि साधारण मनुष्य इस जाने नहीं जानेगा, क्योंकि इस सूक्त का उत्पत्ति वह ऐसा हुआ, वो राजगीर और नालंदा के बीच में धम्म यात्रा में थे तथागत, धम्म की लोगों की कल्याण के लिए भगवान बुद्ध जो है बड़े करुणा से प्रेम से धर्म सिखाते थे, वो धम्म यात्रा में थे। और ये राजगीर ये नालंदा की एरिया में था, एक गांव था उसमें अम्बलाथिका बोल के एक बागीचा था, वहां पर सरकार राजकीय छोटा छोटा घर बना के रखा है उस समय में, वहां ये लोग ठहरा है। इसके साथ साथ आए हैं, कौन आए थे उसके साथ, सुप्रिय परिव्राजक, उनकी भी उनकी शिष्य के साथ आ रहा था, वो लोग भी यहां ठहरे हैं अम्बलाथिका, इस बागीचा की जो राजकीय जो भवन है उसमें उसमें ठहरे थे। संगत तो इतने इंद्रियों के साथ रहते हैं, भगवान बुद्ध की 500 भिक्षु थे साथ में, इतने इंद्रियों के साथ रहते हैं, तो भगवान बुद्ध का निंदा करने लगे। कौन इसके जो प्रमुख है परिव्राजक, कौन कौन है वो, सुप्रिय सुप्रिय परिव्राजक ने तथागत की निंदा करने लगे। क्यों निंदा किया, क्योंकि तथागत बुद्धता प्राप्त करने के पहले इनका दुकान चल रहा था। जैसे बुद्ध हुआ तो बुद्ध ने जब सच बोलने लगे, जो व्यक्ति बुद्ध बनते हैं वही जीवन जगत की सच्चाई को जानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं, अपने इंटेलिजेंट पढ़ाई लिखाई से वो ज्ञान को नहीं जान सकता। तो इनका निंदा करने लगे तथागत का, भगवान बुद्ध का, धम्म का, संघ का निंदा करने लगे। कौन, सुप्रिय, और रात भर बात कर रहा था। ये उसके गुरु जो है जैसे निंदा करता है, उसके शिष्य क्या नाम है, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो है उसको अपने गुरु को बोलते, नहीं गुरुजी, भगवान बुद्ध ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। उसका सारे बातों को ये जवाब देते थे, इनका आचरण ऐसा है, उनका कहन करनी कथनी में अंतर नहीं है, ये इंद्रिया में संयम में रहते हैं, और इनका संग इतना इंद्रिय संयम में रहते हैं कि कोई अनर्थक बात नहीं करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और इनका शरीर की इंद्रिय इतनी शांत रहते हैं कि नीचे देखते हैं, और जब देखते हैं बोलने की जरूरत तभी देखते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो देखता नहीं है। इनका रहना, इनका एक आहार ही है, दिन में एक बार खाता है ये, बाकी लोग तो जब चाहे तब खा लेते हैं, पर ये डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। उनका शरीर कर्म कितना शुद्ध है, वाणी का कर्म कितना शुद्ध, बहुत चर्चा किए गए। रात भर इसके भगवान बुद्ध को दोष ठहराते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी दुकान बंद हो रहा है ना। उसका अपोजिट साइड में उनके शिष्य जो है, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ये नहीं ऐसा है, रात भर चर्चा हुआ। रात भर जब चर्चा हुआ, सुबह हुआ, इतना चर्चा की, सुबह होते होते सूर्य निकालने वाले हैं, उतना में संघ एक जगह में इकट्ठा हो गया है, और भगवान बुद्ध को बैठने के लिए आसन तैयार करके रख दिए हैं। ये लोग चर्चा जब करते हैं तो आपस में एक भिक्षु बोले, जानते हो रात भर जो है
सुप्रिय परिव्राजक और ब्रह्मदत्त परिव्राजक, गुरु और शिष्य, इतनी चर्चा चल रहा है, ऐसा चर्चा चल रहा है कि उनके गुरु तो तथागत के घोर निंदा करते हैं, उन घोर विरोधी है, पर दूसरे पक्ष में उनकी ही शिष्य है, अपने ही शिष्य जो तथागत की प्रशंसा करने लगे, नहीं गुरु जी वो आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, जो जो बोलते हैं दोस्त ठहराते हैं उसको, वो उसको उत्तर देते थे ये। तो इस बातों को तथागत की प्रशंसा करने लगे भिक्षु ने, संघ ने, कि तथागत बहुत ही सचमुच महान व्यक्ति है, गंभीर ज्ञान है, इसके नेट में सब आ जाता है, ये देखता है तो कुछ नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ने हमको प्रवचन दिया करते थे कि तथागत कहते हैं कि सभी मनुष्य एक शरीर का नहीं है, उसका कर्म अलग है, पुण्य अलग है, उसका कर्म मिलने से भी उसका चित्त नहीं मिलते, चित्त मिलने से भी एक दूसरे से चित्त मिलता ही नहीं है, एक दूसरे का कर्म ही नहीं मिलता है, एक दूसरे के विचार ही नहीं मिलता है। देखो तो बुद्ध ने कितना सही बोला, बुद्ध को सचमुच सारी बात मालूम है। कर्म के बारे में हमको चित्त इतना अच्छा से समझाया, ये सारा हमने देखने मिला, भगवान बुद्ध को सटीक सटीक पता है, जो बुद्ध ने बताया वही हमने सुना है रात भर, तो जो गुरु बोलते हैं उसके विपरीत में उसके शिष्य उसको उत्तर देते थे, उत्तर देते थे। इस बातों को जब ये चर्चा कर रहा था, भगवान बुद्ध गुणों को भगवान बुद्ध सचमुच जानते हैं, सही जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, दुनिया का अस्तित्व क्या है, लोगों की मौन क्या होता है, संसार क्या होता है, चित्त चेतासिक रूप निर्वाण के इतना अच्छा से जानते हैं, मनुष्य की स्वभाव के बारे में इतना जानते हैं कि बुद्ध ने जो कहा इसमें से एक पक्का सटीक सटीक जाना है, जो बोला वही हो रहा है, अपने ही शिष्य उनका विरोध कर रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं, धम्म की प्रशंसा कर रहे हैं, संघ की प्रशंसा कर रहे हैं। बात तो बहुत सही बोला भगवान बुद्ध ने, हमको प्रवचन दिया, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है ये। तो इतना में भगवान बुद्ध आए हैं बैठने के लिए आसन में, जहां रखा वो संघ जो है वंदन करेगा। तो भगवान बुद्ध बोले, भिक्षुओं क्या चर्चा चल रहे हैं आपस में, उनसे बात लेकर के चर्चा कर रही थी, उनसे बात आप लोग चर्चा कर रहे थे। तो तथागत को भिक्षु ने उत्तर दिया, वो ये तथागत हमने इस बातों को चर्चा की है कि अद्भुत है आपके ज्ञान, आपने जो बोला हुई है, सब मनुष्य समान नहीं होता है, सबका चित्त एक शरीर का नहीं होता है, सबके पुण्य समान नहीं होते हैं, सबका अलग अलग पुण्य है, कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के साथ में एक साथ में जन्म हुआ है ना, उस समय उसी दिन को जन्म हुआ, सब लोग बुद्ध नहीं बना, देखो ना, उसी दिन उसी एक साथ में एक टाइम में जन्म हुआ पर सब लोग तो बुद्ध नहीं बना, कर्म तो अलग है, पुण्य तो अलग है, इनकी दोनों में भी समझ, एक को तो बुद्ध का घोर विरोधी है, धम्म का ना समझ है, पूरा क्रोध है, दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की शिष्य ना होने के बावजूद भी बुद्ध को जानते हैं, ये बुद्ध के गुणों को जानते हैं, ये बात तो बहुत सही है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भिक्षु देखो बोले, किसी व्यक्ति ने अगर बुद्ध को और संघ को धम्म को अगर निंदा करे तो आप उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी ने अगर निंदा किया तो आपका हानि हो जाएगा, धम्म के मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह किसी ने अगर आपको प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी से नाचना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं भगवान बुद्ध, खुशी से नाचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें प्रसन्न हो गया है तो आपका काम करना बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने से काम करेगा क्या, अरे मेरा कितना तारीफ हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, तो आगे काम करेंगे क्या है,
आगे के मार्ग चल पाएंगे क्या, मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। तो भगवान बुद्ध को प्रशंसा किया तो भी आपको खुश नहीं होना है, खुशी से नाचना नहीं चाहिए। सबको डांस करना आता है ना? आता क्या नहीं आता? प्रसन्न नहीं होता है क्या अगर प्रशंसा किया जाए? तो बुद्ध कहते हैं प्रशंसा नहीं तो खुश नहीं होना है, आपको नीच नहीं नाचना है, ऐसा भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। क्योंकि आपकी मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आपको बाधा आ जाएगा, आप उसी में संतुष्ट होकर के रुक जाएगा वहां पे। ठीक है, आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु वो मामूली है, जो अपने आंखों से देखा देता है शरीर के कर्म, वाणी के कर्म, शील सदाचार को और उसकी बर्ताव को देख करके प्रशंसा करना, उसको देख के प्रशंसा करना वो मामूली बात है, सामान्य व्यक्ति का ही प्रशंसा होता है, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। तो बुद्ध को समझना है तो अथाकथा क्या कहते हैं, एक कल्प कितना साल है गिनती कर सकते हैं क्या? पूरे कल्प अगर कोई व्यक्ति एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को ही अच्छा से जान सकते हैं, एक बुद्ध के बारे में दूसरे बुद्ध पूरे कल्प भर कुछ प्रवचन नहीं देना, केवल भगवान बुद्ध के गुण को बताया जाए, वो पूरे कल्प यूं खत्म हो जाएगा, पर भगवान बुद्ध के गुण को बोल के खत्म नहीं हो सकता। ऐसा बताया, अनंत गुण है भगवान बुद्ध में, अनंत गुण है, अनंत जिसका अंत नहीं है, ऐसा गुण को एक कल्प बोल के खत्म हो सकते हैं क्या? तो बुद्ध को समझना जरूरी है क्या नहीं है? कितने लोगों ने बुद्ध कम से कम नौ गुण को बुद्धानुस्ति किया है, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने किया? दो, केवल दो लोगों, तीन लोगों ने किया, चार लोगों ने किया, बाकी लोग कब करेंगे? बुद्धानुस्ति भावना नहीं करोगे? नहीं करना है। नौ गुणों को तो स्मरण करो कम से कम, यहां अनंत गुण बताए रहे हैं, अनंत गुण है। यहां अथाकथा बता रहा है कि एक कल्प तक किसी एक बुद्ध ने एक दूसरे बुद्ध के बारे में बताया जाए गुणों को, एक कल्प यूं खत्म हो जाएगा, परंतु एक बुद्ध के गुण को खत्म नहीं कर सकते हैं, इतना गुण है। कि यहां पे ब्रह्म जाल जो है डायरेक्ट बुद्ध के गुणों को बताया जा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मामूली नहीं है, मामूली सा ज्ञान है वो, उससे बुद्ध को प्रशंसा करना बड़े बात नहीं है। कोई अरहंत तो होगा, वो व्यक्ति ही बुद्ध के गुणों को एटलीस्ट कुछ हद तक समझ सकेगा, बुद्ध के गुण को, उनकी जो ज्ञान होता है, क्योंकि उनकी नेट में, बुद्धि नेट में, सर्वज्ञता ज्ञान में जो देखता है सारे कुछ स्पष्ट मालूम हो जाता है, कुछ भी नहीं रुकता उनके आगे में, जो भी देखता सारे देखता है। ये लोक के बारे में, संसार के बारे में या अपने बारे में, जीवन जगत के सच में पूरा देखती ही, शुरू से खत्म होने तक, क्या होने वाला, क्या हुआ, कैसा हो रहा है, क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे मिथ्या दृष्टि कैसा उत्पन्न हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, ये सारे बुद्ध जानते हैं। बुद्ध की अनंत गुण सर्वज्ञता ज्ञान को यहाँ दर्शा रहे हैं, इसके लिए इसको ब्रह्म जाला ऐसा आखिर नाम दिया। ठीक है, इस पांच नाम से जाने ऐसा बोल के तथागत ने आनंद भांति जी को कहा, मैं एश्योर करता हूं ये सूक्त अगर पूरा हो गया तो आपको जो भी कुछ सुन के पढ़ के आप समझ के बैठे हैं, अगर इसमें कुछ मिथ्या दृष्टि है या पूरे दुनिया में जो वाद परंपरा ये मान्यता है, सारे मान्यता ये मिथ्या दृष्टि है क्या, है तो कैसा हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ ये मिथ्या, कहां से स्टार्ट हुआ ये, और इसका परिणाम क्या होता है, अभी के परिणाम क्या है, बाद में परिणाम क्या है, ये सारे आप समझने में सक्षम हो जाएगा। और बुद्ध को एटलीस्ट बुद्ध ऐसा है बोल के समझने में सक्षम हो, इससे आपका बड़ा मंगल होगा, कल्याण होगा। तो समय हो गए हैं, आज इतना मैं रुकता हूँ, कल समय पर आइए।
इसको हम अच्छा से समझेंगे, आप सबका मंगल हो, सद्धम्म लाभ हो, भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता सब बुद्ध अनुभावेन सदा सुते भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्म अनुभावेन सदा सुते भवन्तु ते, सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघ अनुभावेन सदा सुते भवन्तु ते।